महबूबा मुफ्ती को मिला पासपोर्ट तो खुशी से उछल पड़ी। पिछले 3 सालों से जब्त था महबूबा का पासपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने महबूबा के पासपोर्ट को रिलीज किया। मां की हज यात्रा के लिए महबूबा मुफ्ती ने मांगा था पासपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मुस्लिमों में हज एक बड़ा रुकन है जो बकरीद में बड़ी अकीकत के साथ जिसकी क्षमता है वो निभाता है। मतलब ये कि दुनिया भर के मुस्लिम देश के लोग साल में एक बार हज के महीने में हज करने जाते हैं और जिनको हज नसीब होता है वो काफी खुश नसीब होते हैं। और ऐसा ही कुछ महबूबा मुफ्ती के साथ हुआ। समझाएंगे क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल हज को लेकर काफी उत्साह है और पूरी दुनिया से इस वक्त हज करने के लिए लोग मक्का और मदीना पहुंच रहे हैं। ऐसे में भारत से हज करने वाले जायरीनों का पहला जत्था पिछले हफ्ते रवाना हुआ, जिसे दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने रवाना किया। लेकिन हम ये बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम ये बताने वाले हैं कि जब PDP की नेता महबूबा मुफ्ती को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी तो वो कितना भावुक हो गई और मां से लिपट गई। खबरों की माने तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 3 साल बाद पासपोर्ट मिल गया। महबूबा मुफ्ती को जो पासपोर्ट जारी हुआ है उसकी वैधता 10 साल तक के लिए है। सूत्रों की माने तो दिल्ली हाईकोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट मिला है। उनके पासपोर्ट की वैधता 2019 में खत्म हो गई थी और वो तभी से इसके नवीनीकरण की मांग कर रही थी, लेकिन केंद्र सरकार और महबूबा में ठन गई थी, जिसका नतीजा कोर्ट तक पहुंच गया और फिर जाके महबूबा मुफ्ती को राहत मिली है। महबूबा को ऐसे समय में पासपोर्ट जारी किया गया है जब 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में उनकी बेटी इल्तजा की याचिका पर सुनवाई होनी है। इस याचिका में उन्होंने खुद को देश विशिष्ट पासपोर्ट देने के पासपोर्ट कार्यालय के फैसले को चुनौती दी। महबूबा को दिए पासपोर्ट की वैधता 1 जून 2023 से 31 मई 2033 तक की है। जानकारी देते चलें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल मार्च में पासपोर्ट प्राधिकरण से PDP प्रमुख को नया पासपोर्ट जारी करने के लिए 3 महीने के भीतर फैसला लेने को कहा था। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अपने आदेश में कहा था कि यह देखते हुए कि मामला पासपोर्ट अधिकारी को वापस भेज दिया गया और प्रारंभिक अस्वीकृति 2 साल पहले हुई थी, संबंधित पासपोर्ट अधिकारी को शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में 3 महीने के भीतर निर्णय लेने दें। अदालत का यह आदेश मुफ्ती की उस याचिका पर आया जिसमें उन्होंने नया पासपोर्ट जारी करने के संबंध में उनकी अपील पर अधिकारियों को जल्द निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया था, जिसमें आज का फैसला आया है, जिससे महबूबा और उनके परिवार को काफी राहत मिली है और अब महबूबा मुफ्ती अपनी मां के साथ हज पर जा सकती हैं। देखना होगा कि महबूबा कब हज पर जाती हैं।